हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज देख सकते हैं आप, मैं हूँ करीबी के स्टेशन पर। तो गाइस, मैं और राहुल भाई जा रहे हैं, मतलब हम लोग जा रहे हैं जबलपुर गाइस, क्योंकि आज घूमने जा रहे हैं और मेरा एग्ज़ाम भी है जबलपुर में। तो एग्ज़ाम देंगे और जहाँ जहाँ भी जाएंगे आपको ब्लॉग में बताएंगे। बहुत अच्छी अच्छी जगह जाने वाले हैं, जो कि राहुल भाई आज ले जाएंगे कि मतलब कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह है हमको मतलब जाना है। दो तीन जगह पता है राहुल को, तो राहुल ले जाएगा। क्योंकि भैया मुझे, मैं एक दो बार चला गया पहले, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि अच्छी अच्छी जगह हम घूमने नहीं जा रहे थे। तो जहाँ जहाँ पर भी जाएंगे, मॉल वगैरह या चोर बाज़ार जहाँ पर भी जाएंगे आपको बताएंगे। और अभी मॉर्निंग हो गई है तो देख लो कितना अच्छा मतलब धूप पड़ रही है। तो ट्रेन आने वाली है, कौन सी गाड़ी जा रहा है तो अपन भैया? श्रीधाम एक्सप्रेस से जा रहे हैं, टिकट हमने कटा ली है तो जा रहे हैं। मदन महल स्टेशन पहुंच गए हैं, अब जाके करेंगे नाश्ता और फिर जा रहे हैं ग्लोबल यूनिवर्सिटी। एग्जाम देने के बाद घूमेंगे। ये देख लो, अभी जगड़ा के ऊपर चल रहे हैं हम लोग, यहाँ से नीचे उतरेंगे और साइड में ऐसा कुछ। राहुल भैया पीछे पीछे, लिफ्ट चालू नहीं है, वह पैदल ही जाना पड़ा। नीचे का सीन देख लो, धूप निकली खतरनाक और नीचे का सीन मदन महल का। ये देखो ऊपर क्या बनना है, ग्लोबल कॉलेज का बोर्ड ये, और वहाँ पे है कॉलेज। तो अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं फुटपाथ पे। ये बाबा जी हैं बागेश्वर वाले, देख सकते हैं आप। 31 मार्च को ये आ रहे हैं जबलपुर में। तो गाइस अपन लोग, अगर आप ब्लॉग चाहते हैं कि ये ब्लॉग डाल रहे हैं इनका, तो कमेंट में बता दीजिए। तो गाइस ग्लोबल देख लो, ये है ग्लोबल कॉलेज जबलपुर का। तो अपन फाइनली अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर होगा शायद अपना। तो देखते हैं, अभी पार्क मार्क में बैठा है, मतलब बैठे हैं लोग, अभी स्टार्ट नहीं हुआ अभी। गाइस ये देख लो, ये और डिपार्टमेंट है ये मेडिकल का, तो इसमें नहीं है अपना, पता नहीं है कहाँ पर है अपना, तो ढूंढना पड़ेगा अभी, जाके ढूँढेंगे अभी टाइम है। बिल्कुल बगीचा बने का अच्छे है ना, शानदार। तो गाइस फाइनली पेपर हो चुका है और ढाबा में खाना वाना खाकर हम दोनों ने आ चुके हैं। अब जा रहे हैं कचनार सिटी, तो वहाँ पर आपको बताएंगे। शंकर जी की बहुत बड़ी मतलब वो है मूर्ति और भी चीज़ें हैं। तो गाइस ये आप जो देख रहे हैं, ये है कचनार सिटी का गेट। यहाँ पर अंदर शंकर जी का मंदिर है, तो गेट से एंटर करते हैं हम लोग। यहाँ पर ये छोटा सा गेट है एंटर के लिए, बड़ा गेट भी है और छोटा गेट है एंटर करने के लिए। तो गाइस देख सकते हैं आप, यही है शंकर जी की मूर्ति, इतनी ज़्यादा बड़ी। अभी इसके पास में जा रहे हैं हम लोग, यहाँ से जाते हैं मतलब। पीछे का देख लो, ऐसा है पीछे का सिस्टम। तो अब आगे चलते हैं, यहाँ पर पानी पीने का है। और ये देख लो, ये कुछ ऐसा गेट बना हुआ है, यहाँ से अंदर जाते हैं। तो पहले चप्पल जूते उतार लेते हैं हम लोग। कुछ साइड से ऐसी लगती है वाइट कलर की है पूरी, और नीचे ऐसी चट्टान पे बैठी हुई है, मतलब शंकर जी विराजमान है चट्टान पे। और यहाँ पर है सूर्य, इस साइड देख लो गाइस पूरे लोग हैं। और ये ऐसा कुछ है, वहाँ पर नंदी महाराज की है वो मूर्ति, और साइड में ऐसे कुछ बने हुए हैं। ये गाइस मूर्ति मतलब बनी है, कोई सरस्वती माता है, कोई कुछ है, मतलब ऐसी चीज़ें। बहुत अच्छी जगह है, मतलब बहुत लोग आ रहे हैं घूमने के लिए और मूर्ति बहुत बड़ी है। तो गाइस घूमकर हम लोगों को अच्छा लगा और धूप बहुत ज़्यादा है, समय भी कम था इसलिए, पर हम लोग आ गए। राहुल भाई ने बताया कि ऐसी मूर्ति है शंकर जी की, बहुत पहले देखी भी थी तो सोचा आपको ब्लॉग में दिखा दूँ ये मूर्ति, जो कि बहुत बड़ी है। अभी धूप में दिख नहीं रहा, और वैसे मैंने आपको इसके सिनेमेटिक सीन दिखा दिए हैं। तो यहाँ पर गाइस पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, और मैं मूर्ति के साइड में हूँ, देख लो मूर्ति।